नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली हुई है। 15 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, यानी कि 15 तारीख तक जो आपका फॉर्म आप भरेंगे वो फॉर्म आपका भर के वहाँ पर आपका पहुँच जाना चाहिए 15 अप्रैल को शाम को 3 या 4 बजे तक। जो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा विधानसभा वैकेंसी चंडीगढ़ अनऑफिशियल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। फॉर कम्प्लीट डिटेल प्लीज चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे इस पेज में जो डिटेल दी गई है ऊपर से नीचे तक, ये अनऑफिशियल है, थोड़ा मिक्स करके इन्होंने अपना एडिटिंग इसमें की हुई है। आपकी पूरी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ। जो इसमें योग्यता फॉर्म भरने में 10वीं 12वीं स्नातक ग्रेजुएट हैं जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो वैकेंसी है टोटल टेलीफोन ऑपरेटर की है, टेलीफोन अटेंडेंट की है, हिंदी टाइपिस्ट की और क्लर्क की इसमें वैकेंसी दी हुई है। जो योग्यता यहाँ पे मिक्स करके लिखी हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोस्ट वाइज आगे है उसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जो इसमें एज कैलकुलेशन इसमें होगी, आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि जो 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है पहुँचने की, उस डेट के अनुसार इसमें जो एज है 17 से 42 साल के बीच में एज होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है एससी बीसी एसटी कैटेगरी को और एक्स सर्विसमैन को है, जो वो उसके अनुसार गाइडलाइन के अनुसार इसमें दिया जाएगा। उक्त पदों पर भर्ती निशुल्क होगी। फॉर्म भरते हुए आपको इसमें कोई डिमांड ड्राफ्ट अटैच नहीं करना है। आवेदन जो आपको भरना है उसका जो फॉर्म है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसको फॉर्म भर के आप वहां पे भेज सकते हैं। आवेदन भेजने का जो एड्रेस है यहां पे दिया हुआ है, आप इस एड्रेस पे इसको फॉर्म को भर के भेजेंगे। जो फॉर्म आप भरेंगे लिफाफे के अंदर डालेंगे, लिफाफे के ऊपर आपको ये एड्रेस डालना है, सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा, सेक्रेटरीट सेक्टर 1 चंडीगढ़। आवेदन पत्र के साथ जो आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आवेदन पत्र के निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं स्थापित आपकी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मूल प्रमाण पत्रों के साथ आपको ये फॉर्म अपना भेजना है। शैक्षणिक जो आपकी योग्यता है, सर्टिफिकेट है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जिस बेस पे आप जो पोस्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो आपको अटैच करना है। जन्म तिथि के लिए आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट आप अटैच कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अगर आप बीसी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्वयं का डाक पता लिखा, एक आपका जो लिफाफा है खाली लिफाफा आपको इसमें डालना है, उसमें आपका इसमें एड्रेस आपको प्रॉपर लिखना है, नाम कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रॉपर लिखना है। एक सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो, ठीक है, एक फ़ोटो आपको फॉर्म के ऊपर पेस्ट करना है और दूसरा फ़ोटो आपको उसके साथ अटैच करके भेजना है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और जो एक्चुअल जो क्वालिफिकेशन है किस पोस्ट के लिए क्या है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट चंडीगढ़, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द प्रिस्क्राइब ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, 1 पोस्ट ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर, 1 पोस्ट ऑफ टेलीफोन अटेंडेंट, 1 पोस्ट ऑफ हिंदी टाइपिस्ट एंड 2 पोस्ट ऑफ क्लर्क। जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट चंडीगढ़ विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर जो फॉर्म निकले थे 15 अप्रैल तक ये आपके फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। जो एज है यहाँ पे 17 से 42 साल के जो बीच की एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन ऑन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रिपल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, एज पर रूल्स को जो होगी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार इसमें छूट दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे जब चलते हैं तो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ इसमें फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है, यहाँ पे अटैच किया हुआ है ये फॉर्म है, इसमें इसको डाउनलोड करके आप फिल करके वहाँ पे भेज सकते हैं। इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं मांगी गई है, नॉर्मल है। आपका नाम है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आप फिल कर रहे हो यहाँ पे है, पासपोर्ट फोटो आपको यहाँ पे अटैच करना है, आपका नाम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो सभी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, मार्क ऑब्टेन, जो भी आपकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है जिस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है। टाइपिंग में आप भरना चाहते हैं यहाँ पे क्लर्क से रिलेटेड और टाइपिस्ट रिलेटेड आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मेंशन करनी है, कौन सी आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जो एक्सपीरियंस पोस्ट के अनुसार है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी बीसी जनरल, जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे प्लेस और डेट आपको मेंशन करनी है। सिग्नेचर ऑफ द
कैंडिडेट यहाँ पे आपको साइन करने हैं और इसको लिफाफे में डाल के आपने सेंड कर देना है। अब इसमें जो नोटिफिकेशन में दी हुई है दोस्तों, जो वैकेंसी है क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, जो टेलीफोन ऑपरेटर है एक पोस्ट है, पे स्केल है जो इसमें 25,500 से यहाँ पे जो है लेवल 4 की यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। मैट्रिकुलेशन इसमें कंप्लीट होनी चाहिए टेलीफोन ऑपरेटर की, मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं पास इसमें आपको होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव गुड फिजिक गुड हैविंग गुड हियरिंग और एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्लुएंटली एंड पॉलिटिकली इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको बोलने का इसमें सही क्लियर होना चाहिए, जो आपकी वॉइस है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक, 10वीं में आपका हिंदी संस्कृत में एक सब्जेक्ट आपका इसमें होना चाहिए। जो टेलीफोन अटेंडेंट है यहाँ पे, ये सेम है लेवल 4 के बेस पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। फर्स्ट डिवीजन के साथ इसमें आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। ग्रेजुएट और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपकी जो ग्रेजुएट है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी इसमें होनी चाहिए। एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर एजुकेशन, आपकी हिंदी इंग्लिश का इसमें आपको संस्कृत का नॉलेज इसमें होना कंपलसरी है। जो हिंदी टाइपिस्ट है एक पोस्ट है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। मैट्रिक है जो फर्स्ट डिवीजन में इसमें होनी चाहिए। आपकी जो सेकेंड डिवीजन है वोकेशनल है या किसी भी बोर्ड से आपकी 12th इसमें और ग्रेजुएशन है इसमें होनी चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 10वीं पास इसमें होना चाहिए, 15 साल की इसमें सर्विस होनी चाहिए आर्मी से या जो है आपकी। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल में और 10वीं की जो है उसमें आपको हिंदी और संस्कृत का एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट आपकी इसमें हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। जो कलर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं दोस्तों इसमें, लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। मैट्रिक है फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th है इसमें वोकेशनल जो भी है आपकी वोकेशनल से या 12th किसी भी बोर्ड से आपकी इसमें रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एक्स सर्विसमैन मैट्रिक है जो इसमें 15 ईयर सर्विस इन आर्मी और आर्मी सर्टिफिकेट क्लास, आर्मी का इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 15 साल की सर्विस वाला। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, इसमें 10वीं में आपका हिंदी संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो इसमें स्पीड दी गई है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन पंजाबी और हिंदी पंजाबी और आपकी जो इंग्लिश है इसमें जिससे जैसे आप बिलोंग करते हैं पंजाबी आपको नॉलेज है या हिंदी का नॉलेज है, इनमें से एक होनी चाहिए। और स्पीड है इसमें यहाँ पे 30 वर्ड और 25 वर्ड है। जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द हिज एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइंग, आपको अप्लाई करने से पहले एक बार इसमें जो क्वालिफिकेशन है प्रॉपर चेक कर लेना है। द कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट शुड हैव अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, आपको पूरी डिटेल के साथ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी टाइपिस्ट एंड क्लर्क प्रिफेरेंस विल बी गिवन दोज कैंडिडेट हु हैव बेस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो नॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज रखता है उसको यहाँ पे प्रिफेयर किया जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी अकोमोडेट बाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरियट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले कॉज ड्यू टू पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ। ठीक है, अगर आपका किसी भी तरह से आपका जो एप्लीकेशन फार्म है वो अगर डिले होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टाइम से पहुँचने वाले जो आपके फॉर्म होंगे उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा इंटरव्यू में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो डिटेल थी मैंने पूरी आपको बता दी है और जो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल करके इसको वहाँ पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अधिक जानकारी आपको कुछ और चाहिए, कोई भी जानकारी आपको इसके अलावा चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।